So welcome to all. So today we are going to start our new subject, which is corporate accounting. ये लिख लीजिए अपने रजिस्टर में corporate accounting, and it holds 60% weightage in your exam. 40% is of financial management. is of your corporate accounting. So corporate accounting is the accounting for the corporates, जैसे नाम suggest करता है. Subject का नाम ही अपने आप में सबको describe कर रहा है कि इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कि जो भी corporate entities होती हैं, जो भी incorporated bodies होती हैं, company होगी या जो भी incorporated हमारी entities होती हैं, तो जो भी उनके accounting से related aspect हैं, वो हम corporate accounting के अंदर पढ़ेंगे. इतना सबको क्लियर है? तो पहले ये बताइए कि अकाउंट्स की क्लास आप सबने ली हुई है, अकाउंट सबका फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा होगा आई होप, और अगर नहीं रहा होगा तो इस क्लास के बाद बन जाएगा. तो अकाउंट्स जो है सबने जो है पढ़ी रखी है कहीं ना कहीं. तो क्या होते हैं अकाउंट्स, कोई बताना चाहेगा क्या होते हैं अकाउंट्स? जी कोई बताना चाहेगा क्या होते हैं अकाउंट्स? इतना तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे, तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है. अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स सबने सुने जी, जो बुक्स मेंटेन करनी होती है इनके हिसाब से वो होते हैं अकाउंट्स. की अकाउंट्स बस बुक्स होती हैं जो मेंटेन करनी होती है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस. जी और कोई? जी हाँ, जिसमें हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. बिल्कुल ठीक. कि अकाउंट्स क्या होते हैं? वो जगह जहां आप एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुई हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक चीज के रिगार्डिंग हुई है, जिसकी हेडिंग हम ऊपर डालते हैं. अकाउंट्स बेसिकली आपके, मैं आपके लिए बता देता हूं, ऐसे लगते हैं कि हम ऊपर एक कोई भी आइटम की हेडिंग डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. तो हमारा अकाउंट ऐसे बनते हैं कि हम इधर लिखते हैं डेट. क्यों? क्योंकि हम क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हैं, पहले ये एंट्री हुई फिर वो एंट्री हुई, और हमारे एक फिक्स टाइम पीरियड होता है अकाउंट मेंटेन करने का, कि इस साल से इस साल तक का अकाउंट है ये. तो पहले आती है हमारी डेट, फिर आते हैं हमारे पर्टिकुलर्स कि किस क्या क्या ट्रांजेक्शन इसमें हुई है, उसकी हेडिंग आती है ट्रांजेक्शन की. फिर आता है हमारा अमाउंट, किस अमाउंट की ट्रांजेक्शन, क्योंकि अकाउंटिंग में हम सीखेंगे अभी कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं. हम ये नहीं रिकॉर्ड करते 10 किलो आलू आ गए, 20 किलो टमाटर आ गए, इस टाइम में भी 20 किलो टमाटर आ गए, तो हम रुपीज में मेजर करते हैं कि इतने रुपए के टमाटर, इतने रुपए के आलू, इतने रुपए का रॉ मटेरियल, इतने रुपए का फिनिश गुड्स हमने बेचा. तो हम रुपीज की टर्म्स में हमेशा मेजर करेंगे. हम नॉर्मल यूनिट्स में मेजर क्यों नहीं करते? क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारे टाइप के आइटम्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, जो उनके टेलीकॉम पार्ट है, तो अब उनको एक टावर लगाना है तो उसमें वायर भी लगेगी, उसमें एंटीना के भी कंपोनेंट्स लगेंगे, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स लगेंगे. अब वायर मेजर होती है मीटर्स में, वायर मीटर्स में मेजर होगी. जो हमारा और रॉ मटेरियल है, जैसे कि और क्या क्या लगता है, स्टील एक्सेट्रा, ये सब जो लगता है वो अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मेजर होते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में सब कुछ एक साथ दिखाना होता है. अब अलग अलग यूनिट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते ठीक से, लेकिन अगर हम ये देखें कि हमने उसके लिए कितना मनी पे करा, इसके लिए कितना मनी पे करा, तो इससे हम प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कितना है. इसलिए हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है. इसलिए मैं आपको अभी से थोड़ा क्लैरिटी दे रहा हूं. फिर आपकी दूसरी डेट, और फिर वही पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट. ये हम दो बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हर अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट एंड, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमें बताता है, जो भी हम आगे सीखेंगे. हर अकाउंट के अपने एक अलग रूल होते हैं, जो डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का अकाउंट है. तो डेबिट क्रेडिट दो साइड्स होती है हमारी, लेफ्ट साइड होती है डेबिट, राइट साइड होती है, और कौन सी एंट्री कहां आएगी डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, उस अकाउंट का नेचर कैसा है, तो ये सब डिपेंड करता है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. तो अकाउंट जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, कि वो जगह जहां आप एक पर्टिकुलर आइटम की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो. तो अब ये बताइए, हमारा सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम है, तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंट्स हमें पता लग गए क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं?
प्रोसेस कि अकाउंटिंग क्या होता है, प्रोसेस अकाउंट्स के मेंटेनेंस का प्रोसेस। ये जो आप बता रहे कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, ये एक लेमैन की डेफिनेशन है। आप ये जो बता रहे हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ये एक लेमैन, लेमैन यानी जिस पर्सन को कॉमर्स की बेसिक नॉलेज नहीं है वो अकाउंटिंग को ऐसे देखेगा। लेकिन अगर आप आईसीएसई के एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे तो समझ लीजिए कि आप फिर चाहे कितनी राम कहानी लिखा है, फेल का तो पता नहीं लेकिन उसमें उस क्वेश्चन में मार्क्स मिलने मुश्किल है। क्योंकि आईसीएसई ये मानता है कि आपको इन बेसिक चीजों की तो नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि जो आप प्रोसेस बता रहे हैं वो अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग साइकिल होता है। क्योंकि जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल। तो फिर अकाउंटिंग क्या होता है, ये तो हमने लिख दिया अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है अकाउंटिंग साइकिल, लेकिन अकाउंटिंग खुद में क्या होती है। अकाउंटिंग है एक आर्ट, अकाउंटिंग है एक आर्ट। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट से आर्ट की बात क्यों कर रहे हैं। आर्ट क्यों है कि आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे अब आप पेंटिंग की बात कर लीजिए कि आर्ट से सब लोगों का मतलब अक्सर होता है कि पेंटिंग, तो पेंटिंग में भी बहुत टाइप की टेक्निक्स होती हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी जरूरी होती है, जिनकी एक्सपर्टीज आपको होनी जरूरी होती है। स्पेसिफाइड नॉलेज, एक्सपर्टीज, ये दोनों होनी जरूरी होती है। फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस भी होना जरूरी होता है कि जब तक आपने आज तक पेंट ब्रश उठाया नहीं फिर आप सोच रहे हैं एम एफ हुसैन से बढ़िया पेंटिंग बनाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल अक्सर नहीं होता। तो आपको स्पेसिफाइड नॉलेज होनी जरूरी होती है, फिर आपको उसकी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वो आर्ट को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। और फिर आपको खुद की जजमेंट भी लगानी होती है। अब सभी अगर एक ही पेंटिंग बनाते रहे तो फिर आर्ट कैसी। तो सब कुछ लेवल की खुद की जजमेंट भी लगाते हैं आर्ट में, क्योंकि ये चारों क्राइटेरिया में हमारी अकाउंटिंग भी फिट बैठ रही है। क्योंकि अकाउंटिंग की भी एक स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। अगर आप अपनी 11th क्लास की आज के टाइम पे बुक उठाएंगे तो उस पर आप बाहर टाइटल क्या देखेंगे, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग नहीं, अकाउंट्स नहीं, अकाउंटेंसी। क्यों, एक स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि फिर आपको उसमें कुछ एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है जो प्रैक्टिस से आती है, फिर आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते, कैसे बुक्स रखते, कैसे वाउचर एक्सेट्रा बनाते हैं, और कई बार आपको खुद की जजमेंट भी लगानी होती है कि ये ट्रांजेक्शन आएगी नहीं आएगी, कितने हद तक आएगी एक्सेट्रा। क्योंकि इन चार क्राइटेरियों में ये हमारी अकाउंटिंग फिट बैठ रही है, इसलिए हम अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, आर्ट। इसलिए अकाउंटिंग क्या है, आर्ट। इसलिए जब भी आप अकाउंटिंग को डिफाइन करेंगे एग्जाम में खासकर, तो आप शुरू कैसे करेंगे, अकाउंटिंग इज एन, अकाउंटिंग को एक प्रोसेस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग इज एन। जैसे ही आप ये लिखेंगे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पढ़कर आए हैं, आपने इसको लाइटली नहीं लिया। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये बात तो समझ आ गई। अब आर्ट किस चीज की, सो इट इज द आर्ट ऑफ, अब आएगा शुरू आपका अकाउंटिंग प्रोसेस कि आर्ट ऑफ क्या, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई ट्रांजेक्शन हुई, आपने उसको रिटर्न फॉर्म में पोस्ट कर दिया, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। देन वी क्लासिफाई, पहले हमारा बनता है जर्नल जिसमें हम लाइन वाइज क्रोनोलॉजिकली सारी ट्रांजेक्शन एक 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 रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन ट्रांजेक्शन के हम क्या करते हैं, इस हेडिंग में इतनी ट्रांजेक्शन हुई तो उसके एक अलग हेडिंग बना के हम बनाते हैं अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट सबको पता है क्या होता है, कि अकाउंट्स बनते हैं हर एक हेडिंग के अलग अलग, जिसमें उस स्पेसिफिक आइटम की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है, डेबिट की भी क्रेडिट की भी डेट वाइज। फिर हम उसको करते हैं समराइज, क्या करेंगे फिर हम समराइज। समराइजेशन क्या होता है, अब लेजर्स भी काफी लंबे हो जाते हैं, लेजर्स भी काफी लंबे हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे आइटम्स होते हैं छोटे से बिजनेस में भी। तो अब उन सब बैलेंसेस को, जो डेबिट साइड के किसी के बैलेंस होंगे, किसी के क्रेडिट साइड के बैलेंस होंगे, कि ये इतना आइटम है वो उतना आइटम है, इसको इतने दिनों से उतने लेने हैं, तो ये सब के जब हम बैलेंस हम कहां पोस्ट करते थे, अगर किसी को याद हो, पीएनएल, और कोई ट्रायल बैलेंस। कि जब तक आप ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनाएंगे तब तक आप पीएनएल अकाउंट कैसे बनाएंगे, जब तक आपके पास सब बैलेंसेस होंगे नहीं पीएनएल बनाने के लिए। तो हम वो सारे ढूंढ ढूंढ के क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस पर। फिर ट्रायल बैलेंस हम देखते थे पहले कि सस्पेंस अकाउंट तो नहीं खुल रहा, सस्पेंस अकाउंट सबने खोल रखा है अपने एग्जाम में। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है,
कि जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रही मतलब कोई गलती हुई है। उस गलती का सस्पेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे, फिर ढूंढते थे कि कहां कहां क्या गलती हुई है, उसकी हम क्या करते थे एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाते थे, करेक्शन करते थे, फिर उसके लिए एक और ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर जाके हम उसको ट्रेडिंग एंड पीएनएल में पोस्ट करते थे, फिर भी बैलेंस शीट नहीं मैच होती थी कई बार। तो ये बात है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ इन तीन चीजों की, कि आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको कैसे लेजर्स में क्लासिफाई करेंगे, फिर इतनी सारी जो बल्कि ट्रांजैक्शंस है उनको कैसे आप समराइज करेंगे। ये जो तीन चीजें हैं इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग। अब आप ये सब तो कर रहे हैं, आपने देख लिया हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे। सो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ये नहीं कि बस ऐसे ही कुछ भी लिख दिया अपनी मर्जी से, आज मन कर आज अकाउंट बना लिया, आज मन नहीं कर अकाउंट्स नहीं बनाए, या फिर जो है कोई चीज इधर लिख दी कोई चीज उधर लिख दी, अपने घर के रूल लगा लिए। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर कि जो आपके रूल्स रेगुलेशन स्पेसिफाइड हैं, जो आपके रूल्स रेगुलेशन मेथड प्रिजम्पशन स्पेसिफाइड हैं, और उनको ठीक से कि पढ़े भी जाए, ये नहीं है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा है क्या बना दिया, तो आपको प्रॉपरली ऐसे मेंटेन करना है। अब आप बही खाता किसी ने देखा आज तक, लाल कलर का होता है, छोटी छोटी दुकानों पर भी मिल जाता है, और बड़े बड़े जो बिजनेस पुराने टाइम से चल रहे हैं इतनी भारी भारी बुक्स होती हैं वो, तो उनमें भी आप देखेंगे बड़े ध्यान से सारी पोस्टिंग हुई भी होती, चाहे वो कैसा ही बिजनेस हो, क्योंकि उसको बाद में पता भी तो चलना चाहिए मैंने क्या लिखा है। सो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जिनको अच्छे से हमने पोस्ट किया है कि हमें बाद में दिख भी जाए हमने करा क्या है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मैंने अभी पहले ही बताया मनी में क्यों हम करते हैं, कि सारे आइटम्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग होती है, ताकि हमें प्रॉपर पैरिटी यानी कंपैरिजन, एक सिमिलैरिटी हम ड्रॉ कर सके सब आइटम में। इसलिए हम ये में देखते हैं कि हमने कितने पैसे या पैसे की वर्थ दी, ये जो मैंने अभी बोला ना पैसे या पैसे की वर्थ दी, इसकी अभी सिग्निफिकेंस आपको अगले पॉइंट में समझ में आएगी। मैं क्यों ऐसे बोला कि पैसे या पैसे की वर्थ दी, कि जरूरी नहीं आप सिर्फ पैसे ही दें, कई बार आप पैसों की जगह कुछ और भी दे देते, जैसे कि शेयर्स आपने इशू कर दिए, आपने और कोई एसेट दे दी उसके बदले एक्सचेंज ऑफर एक्सेट्रा में। सो पैसे या पैसे की वर्थ एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन उसका भी आप इंपैक्ट मेजर कर सकते हैं मनी में। अभी तक हमने क्या सीखा, आर्ट रिकॉर्डिंग समराइजिंग एंड इन अ सिग्निफिकेंट एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो वी हैव कवर्ड व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू, लेकिन अब हम किस चीज के साथ ये करते हैं, ट्रांजेक्शन्स, कि हम ट्रांजेक्शन ही तो रिकॉर्ड करेंगे, और इवेंट्स। कौन से ट्रांजेक्शन और इवेंट, कि जो है आज मैनेजर और वर्कर्स में झगड़ा हो गया, क्या ये आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिल्कुल, जो मनी की वर्थ में आप मेजर कर सकते हैं, विच आर एटलीस्ट इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। इस पॉइंट पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, ऑफ फाइनेंशियल नेचर, कि जिनका जो नेचर है, जो असली कोर नेचर है वो फाइनेंशियल है, कि कुछ ना कुछ मनी की टर्म्स में, मनी की वर्थ में कुछ एक्सचेंज हो रहा है। जैसे आग लग गई, बिजनेस में आग लग गई, कोई सेल नहीं हुई, कोई परचेज नहीं हुई, कोई लेकिन लॉस तो हुआ है, उस लॉस को आप मेजर तो कर सकते हैं कि इतने लाख के गुड्स हमारे चोरी हुई, तो आप ये तो मेजर कर ही सकते हैं कि कितने हजार के कितने लाख के गुड्स आपके चोरी हो गए, कुछ हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप मेजर तो कर सकते हैं। सो ये इनका नेचर फाइनेंशियल है, क्यों, कोई फाइनेंशियल लॉस अगर हो रहा, इसलिए यहां पे साफ लिखा हुआ है, जो चाहे आपको ऑन द फेस ऑफ इट कोई मनी एक्सचेंज होते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन जो उनका कोर नेचर है वो क्या है, फाइनेंशियल, की कोई फाइनेंशियल लॉस फाइनेंशियल गेन ये ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट देयर ऑफ ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब हमने रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज कर लिया, यहीं पे हमारा प्रोसेस खत्म हो गया, रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज कर लिया, अब उसके आगे क्या करेंगे, बस उन बुक्स को रख के संभाल के रख देंगे, नहीं, क्या करेंगे हम, एनालाइज, कि इसके बाद हमारा एक्चुअली, यहां तक तो हमने बस बुक कीपिंग करी है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, अकाउंटिंग और बुककीपिंग में, बुककीपिंग बुक्स बनाने, ट्रायल बैलेंस बन गया खत्म, बुककीपिंग ट्रायल बैलेंस बन गया खत्म।
अब हम उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे हम उसको करेंगे इंटरप्रेट। जो हमने इतना कुछ बनाया उसमें से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि हमारा मेन पर्पज ही है कि हम प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हमारी क्या आज के टाइम पे एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, कितने डेटर क्रेडिटर ये सब है। तो हमारा इंटरप्रेटिंग और रिजल्ट्स जो है मेन होता है अकाउंटिंग का पर्पस, एंड देन कम्युनिकेटिंग दीज रिजल्ट्स। अकाउंटिंग खत्म कहां होती है, जब आप कम्युनिकेट करते हैं कि जिनको एनालिसिस करना है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, चाहे वो बहुत सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई बताना चाहे कौन हो सकता है यूजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, शेयर होल्डर और कोई, क्रेडिटर, डेटर, इन्वेस्टर, बहुत गवर्नमेंट, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, हमारे ओनर्स इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के, हमारे शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, तो ये सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंस, तो इनको हम कम्युनिकेट करते हैं कि क्या रिजल्ट आया। अकाउंटिंग इसलिए इतना वाइड कंसेप्ट है। अब इसी डेफिनेशन में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपने कवर करे हैं, जो भी हम आगे देखेंगे कि हमने क्या कवर करा है। सो अब हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं फिर। तो सब हेडिंग डाल लीजिए कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा आज चैप्टर वन हम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग। ये नोट्स थोड़े अच्छे से बनाइएगा, थोड़े संभाल के रहिए एग्जाम टाइम पर, ताकि आपको बार बार मॉड्यूल या और कोई रेफरेंस बुक या किसी और के नोट्स की फोटोकॉपी करवाने की नौबत ना आए, कि आज ही आपके पास इतने अच्छे से मेंटेन हो जाए कि आगे आपको दिक्कत ना आए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखेंगे पहले, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा भी सकती है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में, क्योंकि आईसीएसई मैंने पहले ही कहा था उनको पता होता है कि आप जो ये चैप्टर तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, और वो वही ज्यादा देते हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट डेफिनेशन वी शैल राइट ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ अकाउंट्स, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। जैसे मैंने बताया दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों में हम जो जो ट्रांजेक्शन हो रही है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज टू कवर ट्रांजेक्शंस इतना समझ लीजिए, टू कवर ट्रांजेक्शंस इन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ओवर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्या समझा हमने, अकाउंट क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, किस चीज का रिकॉर्ड, डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज का, एक पर्टिकुलर आइटम की ओवर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड का हमने रिकॉर्ड मेंटेन करा है। अब एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट लिखे, अकाउंटेंसी, हो सकता है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ ले। अकाउंटेंसी जैसे मैंने बताया, इट इज द बॉडी ऑफ प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स डिफाइनिंग दी various aspects of the accounting process। अब खुद देखिए, अगर अकाउंटिंग खुद में प्रोसेस हो सकता है तो हम अलग से अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं लिखते, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं आर्ट है, इसलिए हमने अकाउंटिंग प्रोसेस स्पेसिफाई करा है इधर। इसलिए आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है, जो एक आपकी बेसिक एजम्पशन होती है, उससे डिफर करना जरूरी था। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकाउंटिंग। पहले ये लिखिए, दी किसने है, ये दिए हमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स,
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। चलिए अब एक लाइन छोड़ के अच्छे से डेफिनेशन, ये लंबी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग, हाँ, कम्युनिकेटिंग। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग कॉमा समराइजिंग। रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, साथ साथ ही याद कर लीजिए, अभी याद रहेगी और जिंदगी भर याद रहेगी। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग। किस चीज को समराइज कर रहे हैं हम? ट्रांजैक्शंस को। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम? कॉमा लगाइए, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। क्योंकि ट्रांजैक्शन अपने आप में एक इकोनॉमिक इवेंट होता है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स दैट आर इन पार्ट एटलीस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट आर इन पार्ट एटलीस्ट। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया? लॉस बाय फायर का। सो दैट आर इन पार्ट एटलीस्ट कॉमा ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। उनका कोर नेचर क्या होता है? फाइनेंशियल। एंड इंटरप्रेटिंग, द रिजल्ट्स देयर ऑफ। देयर ऑफ, टी एच ई आर ई ओ एफ, एक ही वर्ड है। अब इस पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे अगली लाइन में। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कमेंट्स एक्सेट्रा के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो राइट द क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, फुल स्टॉप। कमेंट, वहां ये नहीं लिख के आ जाएगा कि हम औरों पे कमेंट नहीं करते, वहां पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। मैंने अब इतना समझा दिया अकाउंटिंग एन एज आर्ट, तो कौन इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? हाँ जी अर्पित, आप। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, मैंने बताया कैसे। हाँ, क्यों आर्ट क्यों है, साइंस क्यों नहीं? और हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, और एक्सपर्टीज और यू, बिल्कुल। इसका मतलब सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सब सुन रहे हैं। क्यों? मैंने चार पॉइंट बताए थे आर्ट के। पहली बात, स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए बॉडी की, जिसको हम बोलते हैं इस केस में अकाउंटेंसी। दूसरा, एक्सपर्टीज जरूरी होते जो हम प्रैक्टिस से लाते हैं। तीसरा, एक्सपीरियंस। चौथा, जजमेंट। तो इसलिए अकाउंटिंग हमारी क्या है? आर्ट। तो इसका आंसर लिखिए, अकाउंटिंग हैज बीन क्लासिफाइड एज एन आर्ट आपको कंफ्यूज भी कर सकते एग्जाम में कि अकाउंटिंग इज ए साइंस कमेंट। तो इसलिए आपको आर्ट वर्ड याद रहना चाहिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट बिकॉज। सबने इतना लिख लिया, अकाउंटिंग हैज बीन क्लासिफाइड एज एन आर्ट लिख लिया ना, बिकॉज इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग दी प्रॉफिट्स कॉमा लॉसेस। लॉसेस भी तो होते बिजनेस में कई बार, कॉमा फाइनेंशियल पोजिशन।
फाइनेंशियल पोजीशन हमें कौन सी स्टेटमेंट बताती है? बैलेंस शीट, बिल्कुल ठीक। फाइनेंशियल पोजीशन विद द एम ऑफ अटेनिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कि एम क्या होता है इस आर्ट का, हम ये क्यों फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट लॉस निकाल रहे, कि फाइनेंशियल रिजल्ट होता है एम हमारा, विद द एम ऑफ अटेनिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स थ्रू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हमारा एक एनालिटिकल माइंड लग रहा है, हमें सोचना पड़ रहा है कुछ अलग। जैसे आर्ट आप कभी भी देखेंगे आर्ट गैलरी में, तो दुनिया आधे आधे घंटे पहले देखती रहती है कि क्या क्या बना है, ये दुनिया देखती रहती है, एनालाइज कर रहे होते हैं क्या दिखाने की कोशिश करी क्या करा। तो ऐसे ही हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को भी हम एनालाइज करते हैं अच्छे से, उसको इंटरप्रेट करते हैं फिर कि हम उससे क्या ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं। अब कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्यों निकालेगी कि कंप्लायंसेस पूरी है, यानी कितना टैक्स बनता है, हम क्यों निकालेंगे प्रॉफिट कितना बन रहा है। ऐसी अलग अलग यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग रिजल्ट्स निकालती है एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे एक पेंटिंग हर यूजर के लिए, हर व्यूअर के लिए एक अलग मतलब निकालती है, ऐसे ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हर यूजर के लिए एक अलग मतलब, इसलिए आर्ट है। विद द रिक्वायरमेंट ऑफ, जी कंटिन्यूड है, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ, अगला पॉइंट जाना चाहिए, अगला पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट्स में मैं एक चीज बोलूंगा, एग्जाम में जब भी आप, चाहे कोई भी थ्योरी का एग्जाम हो, पॉइंट्स में लिखना शुरू कीजिए, थोड़ी पॉइंट्स में लिखने की आदत ना, फिर एक नीट प्रेजेंटेशन भी होती है, थोड़ा उनको लगता है कि हाँ बच्चे को असली चीज आती है, क्योंकि वहां पर आपकी लेंथ नहीं देखी जाती आंसर्स की, वहां पे पॉइंट्स ही देखे जाते हैं। तो उसके लिए आप आसान कर देते हैं इस चक्कर के लिए कि आपने पॉइंट सारे स्पेसिफिकली मेंशन करे, उसको वर्ड्स दिख जाते हैं अलग से जो उसको देखने होते हैं, कि चेकर को जितना ज्यादा जोर लगेगा आपके आंसर शीट चेक करने में, आपके मार्क्स उतने ही कम हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं डायग्राम बनाइए, पॉइंट्स बनाइए, क्यों, क्योंकि हमें उसके लिए इजी करना है। विद द रिक्वायर, आपने अभी क्या लिखी लास्ट लाइन, स्पेशल नॉलेज कॉमा, क्या लगता है और, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, चलिए अब जो है बस अभी इतना ही, एक एक क्वेश्चन आपको, किसी को भी अभी तक का कोई डाउट है तो बताइए। अभी तक हमने बस बेसिक डेफिनेशन ही कवर करी है और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे हमें क्या क्या पता चलता है, हमने अभी वही कवर किया। किसी को इसमें अभी तक कोई डाउट अकाउंटिंग आर्ट कैसे अभी भी समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकता है। चलिए फिर आगे चले जी। अब क्या होता है कि जब से बिजनेस आया है, इंसान आज से तो बिजनेस कर नहीं रहा, इंसान जब से उनको थोड़ी सी समझ आई, थोड़ा वो आगे बढ़े कि इसके पास ये, मेरे पास ये, बाटर सिस्टम से एक टाइप का बिजनेस शुरू हो गया। और जब से बिजनेस आया है तब से हर बिजनेसमैन ने एक ही कोशिश करी है कि उसको एक प्रॉपर आइडिया उसके बिजनेस के साथ क्या चल रहा है। जो आप बही खाता सिस्टम देख रहे हैं आज का नहीं है, ये कई सौ सदियों पुराना है। कि चाणक्य जी का नाम सबने सुना है, तो उनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र, वो कब आई थी, 2nd century BC, यानी कि अभी से 2000 साल से भी पुरानी है बुक। उसमें भी अकाउंटिंग उस टाइम का इतना अच्छे से वर्णन किया गया कि उस टाइम की अकाउंटिंग कैसे होती थी, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है मॉड्यूल में भी, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वैसे याद रहे यानी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने भी उस टाइम पे, तो आप सोच लीजिए अकाउंटिंग आज का प्रोसेस नहीं है, अकाउंटिंग इतना पुराना प्रोसेस है कि जब से बिजनेस आया है किसी ना किसी फॉर्म में सबने अकाउंटिंग प्रोसेस करा ही है, सबने प्रॉपर अपना मेंटेन करे है रिकॉर्ड की बुक्स, उसको इंटरप्रेट करे और अपना आगे बिजनेस उस हिसाब से करा है। तो इसीलिए अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। कि बिजनेस की लैंग्वेज ना हिंदी ना इंग्लिश ना और कोई, अकाउंटिंग ही है लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, चाहे फिर वो जर्मनी का बिजनेस हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। क्यों, ये आपकी टेबल चेयर तो चिल्ला चिल्ला के कहेगी नहीं बिजनेस में क्या हो रहा है, ना आपको रॉ मटेरियल कहेगा, कौन कहेगा, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहेंगे। तो आपका बिजनेस एंटिटी आपसे कैसे कम्युनिकेट करता है कि क्या हो रहा है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थ्रू द अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए हमने क्या कहा, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, और यही हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन,
कमेंट के इसमें बहुत बनते हैं, इसलिए मैं ये अलग से लिख पा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है उस टाइम पर क्लिक नहीं होता दिमाग में, तो अगर आपने पहले से कहीं पढ़ा हो तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। सो राइट द स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस फुल स्टॉप। कमेंट, सबने लिख दिया, लिखिए अब आंसर एक लाइन छोड़ के। अकाउंटिंग मेजर्स द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेसेस, BUSINESS। बिजनेसेस इतना सबने लिख लिया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन टू ए वैरायटी ऑफ यूजर्स। Conveys this information to a variety of users. Attributes या features of accounting. Attributes या features यानी accounting की क्या खासियत है, accounting की क्या अलग अलग features है, कि accounting में क्या ऐसा अलग अलग बातें हैं। जैसे smartphone में features होते हैं, ऐसे accounting में भी बड़े सारी utilities होती हैं। तो क्या features है accounting के? पहली बात, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये आप सबको क्लियर हो ही गया होगा। सेकंड, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, राइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स। रिकॉर्ड की ट्रांजैक्शंस हम किन टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं? पैरिटी, एक वर्ड अगर आप लिख देंगे पैरिटी, PARITY, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप अच्छे से पढ़कर आए हैं। क्योंकि पैरिटी चाहिए होती है हमें, इसलिए हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर कैसे टाइप के हम इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि फाइनेंशियल चाहे पार्ट में ही हो लेकिन फाइनेंशियल नेचर के हो। एंड इट इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। और ये हो गए आपके फीचर्स कंप्लीट। पैरिटी बेटा सिमिलैरिटी, कि सारे के सारे एक ही सेम यूनिट में है, सारे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मार्क्स एक ही सब्जेक्ट का कंपेयर करते हैं, आप किसी साइंस के स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते अपने मार्क्स, सेम ही सब्जेक्ट पे कंपेयर करते हैं। ऐसे ही हमने यूनिट क्या मेजरमेंट का ले लिया, मनी। क्यों? हर चीज हम मनी में सेल या परचेज करते हैं, हर चीज हम मेजर कर सकते हैं। बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम किस टर्म में मेजर करते हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल नेचर लेते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर, बस आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए, दैट्स ऑल आई थिंक ये समझाने की। अब अगर किसी को कोई पॉइंट अभी भी ना समझ में आ रहा हो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एवरीथिंग इज क्लियर, सो लेट्स मूव अहेड। अब हम ये अकाउंटिंग का प्रोसेस कर क्यों रहे हैं? What are the objectives of accounting? में बता सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हैं। अभी हमने डेफिनेशन में ही और फीचर्स में इतना को डिस्कस कर लिया, क्या थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा सबको। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, की रिजल्ट्स को सिर्फ निकालना जरूरी नहीं है, उनसे एक प्रॉपर कंक्लूजन, एक प्रॉपर डिसीजन बनाना जरूरी है उनसे एक प्रॉपर, कि जब तक आप वो नहीं करेंगे वो अकाउंटिंग की बुक्स ऐसी की ऐसी धरी रह जाएंगी। तो उनसे हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। आगे हमारे चैप्टर्स भी आएंगे, अभी और कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के साथ क्या हो रहा है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। नहीं तो हम इतनी तकलीफ क्यों लेंगे, क्यों? हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हम 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, एक साल बाद भी देख लें, तब भी हमें पता चले कि ऐसा लॉस क्यों हुआ। और कोई डिसीजन मेकिंग, बहुत अच्छी बात है।
की इंटरप्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, डिसीजन मेक। डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जो कि हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है बिजनेसेस में। और कोई कम्युनिकेटिंग, जब तक आपने डिसीजन भी ले लिया लेकिन जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे उन बहुत सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, उस इंटरप्रिटेशन का भी क्या फायदा, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग एक एक्सट्रोवर्ट है, तो इसलिए जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन Providing information to users for rational decision making. Rational क्या होते हैं, एक होता है rash decision कि मन में लगा कर दिया, बाद में देखी जाएगी जो होगा, फिर जो होता है वो देखा ही नहीं जाता। तो हम क्या करते हैं, rational, दिमाग लगा के, logic लगा के, हमारे पास एक proper basis होता है decision लेने का। तो वो डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, जो हमने अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन निकाली है, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन टू यू ओनर्स, ओनर्स मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स, जो आपने इतने सारे यूजर्स बताए, तो उन्हीं यूजर्स को हम क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन कि वो कोई रैशनल डिसीजन ले सके, वो रैशली डिसीजन ना ले। देन द नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे उसी में लिखा था ना सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट का यहां मतलब है सिस्टमैटिक। जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको हम सिस्टमैटिकली ऐसे करें कि कोई भी उसको समझ सके, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो अकाउंट्स की। ये नहीं हो कि चेन्नई वाले को यहाँ के नहीं समझ में आ रहे, यहाँ वाले को जयपुर के नहीं समझ आ रहे, ऐसा ना हो। इसलिए हम एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि ये हमें कंपेरिजन में हेल्प करता है, एक तो बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग में भी तो हेल्प ही करता है। और अभी जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा कंप्लायंस पर्पस के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कंपनीज की बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं। जब हम अगला चैप्टर शुरू करें तो हम देखेंगे क्या क्या कंप्लायंस की वजह से हमें अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, सिस्टमैटिक, कि हमारे जो अकाउंट्स बने वो बने एक तो रिलायबल, कि कोई भी उस इंफॉर्मेशन पर रिलाय कर सकता है कि ठीक से रिकॉर्ड करी गई है ताकि ठीक से इंटरप्रेट हो जाए। एंड प्रिसीजन, प्रिसीजन यानी परफेक्शन, कि परफेक्टली रिकॉर्ड हो सब सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाकर, ठीक है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स भी तो एसरटेन करने ही है कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजिशन हुई। फिर इन रिजल्ट्स का एनालिसिस, जो भी हमारे रिजल्ट्स एसरटेन करने होते हैं हमें कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, तो एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। फिर उसके बाद वो रिजल्ट्स को हम एनालाइज करेंगे, फिर उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, जो हमने पहले पॉइंट में कवर कर लिया। तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इतना कुछ कर क्यों रहे हैं। किसी को अब तक कोई डाउट तो प्लीज बताइए, किसी को अब तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए, नो डाउट एवरीथिंग इज क्लियर, सो लेट्स मूव ऑन। हमारे अकाउंटिंग जो है, अब जब मैंने शुरुआत में पूछा अकाउंटिंग क्या होता है तो सबने बस प्रोसेस बताया और बुक्स मेंटेन करना बताया, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये क्या होता है, आर्ट। क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो क्या होता है, बुक कीपिंग, वो क्या होता है हमारा बुक कीपिंग। क्या प्रोसेस होता है कि आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है प्रॉपरली, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करना है, और फिर उसके बाद बस रखना है कि जो भी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको दे देनी है बुक्स। अब वो आगे क्या करना है वो अपने आप देखेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, अब उनका काम है। हमारा बुक कीपिंग में क्या काम होता है, बस ट्रायल बैलेंस बन गया, आपका काम खत्म। तो बुक कीपिंग काफी नैरो होती है अप्रोच में,
जबकि हमारी अकाउंटिंग काफी थोड़ा सा हम बुक कीपिंग के बारे में लिखेंगे एक बार। अब बुक कीपिंग का क्या होता है कि बुक कीपिंग की पहली लाइन ही आपको थोड़ी अजीब लगेगी, बुक कीपिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट है क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन एनालिसिस की जरूरत होती है, लेकिन बुक कीपिंग साइंस क्यों आ गई है कि बुक कीपिंग तो नैरो होती है फिर भी वो साइंस भी है और आर्ट भी है, कि वो एक चीज ज्यादा कैसे अकाउंटिंग से। साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस में क्या होता है आपके रूल्स काफी रिजिड होते हैं। अगर ग्रेविटी का पुल यहां पर ऐसा है तो अमेरिका में भी ऐसा ही होगा, लेकिन कई बार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन अमेरिका में अलग वे में होंगी यहां पर अलग वे में होंगी ड्यू टू वेरिंग रीजंस कि बिजनेस प्रैक्टिस डिफरेंट है लॉ डिफरेंट है, तो इसलिए वो बस आर्ट तक रुक गया क्योंकि अकाउंटिंग रिजिड नहीं है जितनी बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग के जो रूल्स डिफाइन हो गए डेबिट क्रेडिट के अब वो डिफाइंड रहेंगे, लेजर कैसे बनेगा जो डिफाइन हो गया वो डिफाइंड, अब उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो बुक कीपिंग क्योंकि इतनी रिजिड है इसलिए बुक कीपिंग इज एन साइंस एज वेल एज आर्ट। सो हैव यू रिटन दिस? सो बुक कीपिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस होता है बुक कीपिंग में आता है। ऑल दोज ट्रांजेक्शंस, कौन सी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस की, ऑल दोज ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की भी कौन सी ट्रांजेक्शन, मैनेजर और एम्प्लॉय में झगड़ा वो रिकॉर्ड करेंगे बुक कीपिंग में, तो कौन सी ट्रांजेक्शन जो मनी की वर्थ में हो, दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी इज वर्थ। आप कभी भी इन डेफिनेशन में मनी नहीं लिखेंगे, मनी इज वर्थ, क्योंकि कई बार शेयर्स एसेट्स ये सब भी ट्रांसफर होती है, तो मनीज दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी इज वर्थ, कि मनी या मनी की वर्थ। अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद फर्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट मतलब इसका, कलेक्शन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेसिक जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है पहले वो कलेक्ट करने से शुरू होता है चाहे वो कैसे भी हो। So it is an activity concerned with first of all collection of basic financial information, कि पहले financial information को हम collect करेंगे। Then second point, identification of economic transaction. Economic transaction कौन सी होती है जिनका nature ही क्या होता है financial। मैंने क्या बताया अकाउंटिंग में फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, तो बुक कीपिंग में हम क्या पहले देखेंगे कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन आ गई, अब इनमें से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी हम लेंगे, देन वी मेजर देम इन मनीज वर्थ। तो तीसरा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इन मनीज वर्थ। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज बुक कीपिंग, या बुक कीपिंग इज ए साइंस और एन आर्ट, या व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बुक कीपिंग, जब उनको थोड़ा देखना हो कि बच्चों को बेसिक कितना अच्छे से पता है। देन हम फिर अब हमने ट्रांजैक्शन देख ली कौन सी होगी, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनको मनी की वर्थ में भी कर लिया, अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम सिग्निफिकेंट मैनर, कैसे क्रोनोलॉजिकली। सो रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज, 1 अगस्त की अभी, 2 अगस्त की उसके बाद, 3 अगस्त की, ये नहीं हो कि अभी पहले 1 जुलाई की आ गई फिर 31 अगस्त की आ गई फिर 1 नवंबर की आ गई फिर उसके बाद दोबारा से 3 जुलाई की आ गई। सो रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकली, CHRONOLOGICALLY, ठीक है।
अब हमने रिकॉर्ड कर लेते हैं हम जर्नल बना के, जर्नल तो सबको पता ही होगा भी जर्नल आगे आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग। सो यहां पर भी ये होगा क्लासिफाइंग द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, फिर उसके बाद प्रिपेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट। जी लास्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट, दैट इज आईई ट्रायल बैलेंस, जो कि क्या होती है हमारी ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम सारे क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस हम सब अकाउंट्स के लिख देते हैं एक साथ। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जो आप लोग भी पहले कंफ्यूज थे कि आप दोनों को सेम नजरों से देख रहे थे जबकि दोनों काफी अलग है। सो एक डिफरेंस लिखेंगे, अब हम अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब हम डिफरेंस कैसे लिखेंगे, हम इसमें तीन कॉलम्स बनाएंगे, पहला कॉलम होगा बेसिस का, फिर बुक कीपिंग एंड देन अकाउंटिंग। आप अब जब भी डिफरेंस लिखें तो कोशिश कीजिएगा बेसिस का कॉलम जरूर बनाइए, चाहे वो बेसिस बाद में लिख लीजिए, इससे थोड़ा अच्छा इंपैक्ट जाता है कि आप प्रोफेशनल में जाने लायक स्टूडेंट हैं। तो बेसिस, बुककीपिंग, अकाउंटिंग, तो पहला बेसिस लिखिए अप्रोच, पहला बेसिस लिखिए अप्रोच। बुककीपिंग इज नैरोवर या वाइडर, नैरोवर इन अप्रोच। अकाउंटिंग नैरोवर और वाइडर, अकाउंटिंग इज वाइडर इन अप्रोच। सेकेंड पॉइंट, स्टेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बुककीपिंग क्या होता है, इनिशियल स्टेज, लैटर स्टेज, क्योंकि बुककीपिंग जो है शुरुआत में करी जाती है। सो आउटपुट ऑफ बुककीपिंग, आउटपुट ऑफ बुककीपिंग इज द इनपुट ऑफ अकाउंटिंग, कि इसका स्कोप इतना नैरो है कि जो इसके हमें रिजल्ट निकलते हैं तब अकाउंटिंग असली शुरू होती है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। एंड आउटपुट ऑफ बुककीपिंग इज द इनपुट ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में हम क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग का आउटपुट कहां यूज होता है, कहां यूज होता है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का आउटपुट कहां यूज होता है, इंटरप्रिटेशन। सो आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग, आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट्स इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स, आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट्स इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस, बुककीपिंग का पर्पस मैंने क्या बताया, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है सर। सो इट्स पर्पस इज टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस, इट्स पर्पस इज टू मेंटेन ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। और अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, और पर्पस ऑब्जेक्टिव मैंने क्या समझाया था, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। सो फाइंडिंग रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड टू रिपोर्ट फाइनेंशियल
स्ट्रेंथ। तो पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, पहला लिखिए फाइंडिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइंडिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। आप पहले फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन बची है, और फिर दूसरा पर्पस क्या है, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस टू किसको रिपोर्ट करेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग लिखिए, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कि बिजनेस कितना फाइनेंशियली साउंड चल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबको यहां तक क्लियर हो गया कि बुक कीपिंग क्या होता है? तो हमने अभी तक क्या सीखा, अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या अलग होता है, जीके डाउट, अकाउंटिंग क्या होता है कि लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग बेसिक प्रोसेस है, जबकि अकाउंटिंग उसके बाद तो शुरू होता है असली प्रोसेस। अकाउंटिंग से फिर रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग तक नहीं रुका हुआ, उसके बाद वो क्या करता है, उसको रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है और फिर कम्युनिकेट करता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। सबको यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, एवरीथिंग इज क्लियर। अब जो है मैंने क्या बताया कि हमें अकाउंटिंग का जिक्र इतनी पुरानी बुक्स जो अर्थशास्त्र थी, किन्होंने लिखी थी, चाणक्य जी ने, अर्थशास्त्र जो चाणक्य जी ने लिखी थी वहां पर भी होता, लेकिन क्या तब की अकाउंटिंग और आज की अकाउंटिंग सेम होगी, क्योंकि अकाउंटिंग हमारे डायनेमिक प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस डायनेमिक यानी चेंज होता रहता है, कि जैसे बिजनेस की कंडीशंस चेंज होती है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, अकाउंटिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होती थी और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत अलग मिलेगी अभी आपको उससे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबने देखा हुआ है, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उससे काफी अलग होती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट और एक नॉर्मल बिजनेस की रिक्वायरमेंट में काफी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। हर टाइप की अकाउंटिंग में आपको कुछ चेंज आता है, क्योंकि अकाउंटिंग चेंजेबल होती है नेचर में, जैसा बिजनेस वैसी। तो पहले हमारी जो अकाउंटिंग होती थी वो कैसी होती थी, वो होती थी सिंगल एंट्री बेसिस, सिंगल एंट्री यानी कि कैश आया कैश गया, सामान आया सामान गया, ऐसे रिकॉर्ड करते थे वो, आज इतने रुपए मिले आज इतने रुपए गए, बस एक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं इसमें। और ये आज भी चलती है, छोटी मोटी जो शॉप्स होती है, ग्रोसरी शॉप्स एक्सेट्रा, क्योंकि उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन, उनको पता होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ ना, उनको किसी को ज्यादा दिखानी होती, बस उनको इतना पता होना चाहिए कितना आज कैश आया, कितने ने आज उधारी करी, कितने उधारी वाले पैसे देकर, जो आप देखते हैं कि थोड़ा सा वो रजिस्टर सा बना रखा, उसमें प्लस माइनस करते रहते हैं वो, तो यही करते हैं वो, सिंगल एंट्री सिस्टम में आता है जहां पर हम एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, एस्पेक्ट यानी कि बस कैश आया कैश किया। जबकि हम डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में ये होता है कैश तो आया लेकिन किसने दिया, सेल हुई परचेज हुई डेटर ने दिया, हम ये एक साथ लिखते हैं, और हम फॉलो भी कौन सा करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो भी हम कौन सा करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि एक वाइडर अप्रोच देता है, बहुत अच्छे से हमें बहुत कुछ बताता है। और ये हमें दिया था 1494, किन्होंने दिया था हमें, मिस्टर लुका पैकियोली, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो 1494 की इतना पुराना है ये, तो थोड़ा सा इस बारे में लिख लेते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स, ये बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट मतलब बुक कीपिंग के बाद अब एक अगला टॉपिक शुरू हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स, फर्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, अच्छे से लिखिए हेडिंग सिंगल एंट्री सिस्टम,
इट रिलाइज ऑन it relies on one sided accounting entry. It relies on one sided accounting entry to maintain information. It relies on one sided accounting entry to maintain information. Agla point, hence comma, the dual aspect of every transaction is ignored. The dual aspect of every transaction is ignored. Third point, it is useful for small businesses. अब हम चलते डबल एंट्री सिस्टम पर. हेडिंग डाली डबल एंट्री सिस्टम. इन 1494 किन्होंने दिया ये? लुका पैकियोली. इन 1494 कोमा लुका LUCA पैकियोली PACIOLI लुका पैकियोली कॉमा एन इटालियन मैथमेटिशियन ट्रीटाइज्ड कि उन्होंने प्रॉपर रूल्स दिए, उसको एक प्रॉपर एंटिटी दी इन रूल्स को, तो इसको हम बोलते हैं ट्रीटाइज्ड. जैसे ट्रीटी सुना है आपने, तो ऐसी ट्रीटाइज की ट्रीटी भी क्या करती है, किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को एक वो देती है आइडेंटिफिकेशन कि हाँ इसको मानना चाहिए, चाहे वो देश के बीच में हो चाहे वो स्टेट्स के बीच में हो. तो ट्रीटी जैसे होता है, ऐसी ट्रीटी एक बनी कि ये डबल एंट्री सिस्टम ऐसे 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 होगा. सो ट्रीटाइज लिख लिया इन्होंने. प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो किन्होंने दिए? इन्होंने दिए. ट्रीटाइज की उन्होंने प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली उसको करा कि वो एक रेलेवेंट फॉर्म में आए. प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग. अगला पॉइंट, इन दिस सिस्टम In this system, there are two aspects to every financial transaction. अब हम इस सिस्टम में आए क्यों? सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों हमें कहां का लैक कर रहा था? अब हम वो देखेंगे. So write down the next heading, advantages of double entry system. कि हमें क्या जरूरत पड़ गई, कि सिंगल एंट्री काफी नहीं पड़ रहा कि अब हम डबल एंट्री एक नया सिस्टम इजाद कर दिया कि नए रूल्स इतना कुछ हमें देखना पड़ रहा है क्यों. सो व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. तो अगला पॉइंट लिखिए, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स. Maintenance of personal and impersonal accounts. अब personal accounts क्या, अपने घर के accounts maintain करेगा वो? Personal accounts मतलब drawings. और कोई personal accounts मतलब? Personal accounts से आप क्या समझते हैं यहाँ पर? घर के accounts या दोस्त के accounts? कुछ और होगा, company के accounts और बैंक अकाउंट्स. और कोई पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं आपके रिलेटेड टू पर्संस होते हैं, रिलेटेड टू
persons, और impersonal, impersonal फिर किससे related होंगे? Self. क्यों? मैं इंसान नहीं हूं, ओनर इंसान नहीं है. इम्पर्सनल किससे रिलेटेड होंगे? हाँ, एसेट्स, लायबिलिटीज, गेन्स, लॉसेस, इनकम, एक्सपेंडिचर. इनको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट्स. और इनको हम बोलते थे नॉमिनल. और पर्सनल तो पर्सनल थे ही. आगे समझ में, पर्सनल रिलेटेड टू पर्सन, चाहे वो कंपनीज हो. कि कंपनी भी क्या होती है? आर्टिफिशियल कंपनी. कंपनी लॉ में थोड़ा बहुत तो आपने देख ही लिया होगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो कंपनी भी आती है इसमें, कि वो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन के हो या नेचुरल के हो. और इम्पर्सनल यानी जो भी प्लांट, मशीनरी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इतना कुछ जो होता है बिजनेस का, उनके भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन नहीं होते थे अलग से. तो उसको भी मेंटेन करने का हमें फायदा मिल गया, क्योंकि हमें उसकी भी डिटेल्स टाइम टू टाइम चाहिए होती है बैलेंस शीट बनाने के लिए. सो राइट डाउन, सिंस इम्पर्सनल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, सिंस इम्पर्सनल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, कॉमा, both the effects of the transactions can be recorded, both the effects of the transaction can be recorded simultaneously. क्यों? क्योंकि अगर डेटर, हमने डेट पे कुछ बेचा, मान लीजिए राम को हमने डेट पे कुछ बेचा, तो हम क्या लिखते थे? राम हमारा डेटर, तो राम टू सेल्स. सेल्स हमारा इम्पर्सनल अकाउंट और राम हमारा पर्सनल अकाउंट, दोनों को हमने एक साथ रिकॉर्ड कर लिया. तो इसमें एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स टू ए डेटर. डेटर को सेल हो तो ऑब्वियसली बात है कैश पे तो सेल हो नहीं रहे. सेल ऑफ गुड्स टू ए डेटर. नेक्स्ट पॉइंट, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी. एरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसे? मैंने अभी बताया कि सारी इफेक्ट्स जो है एक साथ रिकॉर्ड हो रही हैं, कि जितनी सेल की उतने ही डेटर बनाया, वही पोस्ट हो रहा है लेजर अकाउंट्स में. तो हमें क्या मिलती है? एक एक्यूरेसी मिलती है कि हाँ बिल्कुल सही अमाउंट साथ के साथ, क्योंकि पोस्ट हो रहे हैं साथ के साथ, ट्रायल बैलेंस बनेगा फिर उसके बाद उसी अमाउंट का. तो इसलिए हमें क्या मिलती है? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी. सिंगल एंट्री में नहीं मिलती थी कि एक ही बस सेल होगी, राम बढ़ गया, ये घट गया. इसमें क्या होता है, क्योंकि एक साथ एक ही अमाउंट हम डालेंगे, क्योंकि इतना तो सभी विजिलेंट होते ही हैं, तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी मिलती है. तो लिखिए, ह्यूज एम्फसिस या इंपॉर्टेंस, एम्फसिस वर्ड आए हुए हैं, ह्यूज एम्फसिस. एम्फसिस यानी इंपॉर्टेंट. एम्फसिस इज लेड ऑन, ह्यूज एम्फसिस इज लेड ऑन avoiding arithmetical errors by ensuring, corresponding एंट्रीज आर पास्ड. कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी सेल्स की भी उसी के साथ और डेटर की भी उसी के साथ, और उसी के साथ साथ वो पोस्ट भी हो जाएंगी लेजर में. बाय इंश्योरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर पास्ड. अगला पॉइंट इसी में ही, दिस इज इंश्योर्ड बाय,
दिस इज इंश्योर्ड बाय प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना अकाउंट्स की. अब अगला पॉइंट, इजियर कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स. इजियर कैलकुलेशन अब कैसे होगी? मैंने अभी बताया, साथ के साथ आप पोस्ट कर रहे हैं, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट भी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो. आपके पास सारे फिगर रेडिली अवेलेबल हैं सिस्टमेटिक मैनर में आपके पास, क्योंकि रिकॉर्ड है, तो आप आराम से निकाल सकते हो जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिजल्ट निकालने के लिए. सो राइट डाउन, प्रॉपर सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन. प्रॉपर सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स. प्रॉपर भी हो, सिस्टमेटिक भी होती है इसमें, इसलिए हमारा जो प्रिपरेशन होगी वो अकाउंट्स की एंश्योर्स इजियर कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजिशन. फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजिशन. प्रॉपर सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंश्योर्स इजियर कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल प्रिपरेशन. ओ सॉरी, पोजिशन, पोजिशन. और क्योंकि ये इतना कुछ प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को. नाउ राइट डाउन द लिमिटेशन. कुछ लिमिटेशन भी होती है हर उसकी, इसकी भी है. लिमिटेशन क्या है इसकी, लिखिए. फर्स्ट, इट इज अ कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी बुक्स बन रही है तो कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो बन ही जाता है. इट इज अ कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स की. एक नॉर्मल जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो ये इसलिए फॉलो नहीं कर पाते, इतनी सारी बुक्स कौन मेंटेन करेगा, उनकी एक्यूरेसी कौन चेक करेगा. ठीक है. सेकेंड, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. कि आप इसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स के बिना आप नहीं कर सकते प्रॉपरली डबल एंट्री सिस्टम. आई होप यहां तक सब. कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड इन डबल एंट्री सिस्टम. व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मैंने अभी बता दिया, पहले ही बता दिया आपको, और बहुतों को पहले से पता होगा, तो कौन बताना चाहेगा कि क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताइए. अभी तो सब इतना बता रहे थे जब मैं बोल रहा था, डेफिनेशन बता रहा था, एडवांटेज बता रहा था, अभी मैंने ही बताया था. ट्रायल बैलेंस अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट. कि हमारे बेसिकली कितने टाइप के अकाउंट्स बनते हैं? थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज पर्सनल, जो कि चाहे पर्सन आर्टिफिशियल हो, यानी कि आर्टिफिशियल यानी नकली लोग नहीं, आर्टिफिशियल यानी कंपनी हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो. ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे. चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, ये इंपॉर्टेंट है. इस पर हो सकता है आपसे कुछ पूछ भी ले, और बच्चे इसमें बहुत कहानियां लिख के आते हैं. सेकेंड इज रियल, जो कि आप सबको पता है, या तो एसेट का होगा या लायबिलिटी का होगा. एंड थर्ड इज नॉमिनल, कि सारे इनकम, गेन, लॉस, एक्सपेंस सब किस में आएंगे? नॉमिनल में. सब किस में आएंगे?
नॉमिनल में. सो लेट्स राइट डाउन हेडिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन डबल एंट्री सिस्टम. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन डबल एंट्री सिस्टम. फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट्स. फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, नाम ही बता रहे हैं. दीज आर दी अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्संस. तो लिखिए दीज आर दी अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्संस. दे मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी, नेचुरल जो नेचुरल प्रोसेस से बॉर्न हुए हैं, चाहे वो डेटर हो क्रेडिटर हो कोई भी हो. ठीक है, अब आते हैं हमारा जो आप सबका डाउट होगा एक अगला पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. अब देखिए मान लीजिए कि हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, कब होता है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 31st मार्च. अब 31st मार्च को अकाउंट्स तो मेंटेन होंगे. अब मान लीजिए मार्च की कुछ सैलरी ऐसी है कुछ एम्प्लॉयज की जो अभी तक पे नहीं हुई, तो अब लेकिन वो लिखना तो पड़ेगा. कुछ सैलरी ऐसी है एम्प्लॉयज को पे तो करनी थी लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, तो अब उसका क्या ट्रीटमेंट करें. अब क्या एम्प्लॉयज हमारे क्रेडिटर हैं, नहीं. लेकिन क्या एम्प्लॉयज पर्सन हैं. अब हम हर पर्सन को तो लेकिन अलग अलग नहीं लिखेंगे ना, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट. तो ये दीज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इनका क्या काम होता है, दे रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्संस. दे रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्संस जिसको कंपनी कुछ ओ करती है. फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेबल. सैलरी तो लिखिए सच अकाउंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, सच अकाउंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्संस. जैसे मैंने बताया कई सारे एम्प्लॉयज हैं उन सबकी सैलरी ड्यू है, तो वो एक कलेक्शन ऑफ पर्संस हुए लेकिन वो क्रेडिटर की कैटेगरी में तो आ नहीं रहे. तो कलेक्शन ऑफ पर्संस हुज आइडेंटिटीज मे बी आइडेंटिफाइएबल. ये जो हमारा कलेक्शन ऑफ पर्संस है, आपको एक एक एम्प्लॉय की आईडी भी पता है कौन है क्या है, लेकिन क्योंकि इतने सारे हैं तो हम उनको एक पर्टिकुलर हेडिंग में ग्रुप कर देते जिनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेबल अकाउंट. सैलरी पेबल अकाउंट. अगले अकाउंट्स हमारे कौन से हैं, रियल अकाउंट. रियल अकाउंट. सो दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. अगला पॉइंट, सच एसेट्स मे बी टैंजिबल. टैंजिबल एसेट्स यानी जो आप देख सकते हो, जो छू सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है. और इनटैंजिबल. इनटैंजिबल जैसे सॉफ्टवेयर, गुडविल, क्या आपको पता है वो है, वैल्यू भी कर सकते हो आप लेकिन उसको ना देख सकते ना छू सकते. टैंजिबल और इनटैंजिबल. क्लियर. एंड लास्ट वी हैव द नॉमिनल. नॉमिनल अकाउंट्स ये सिंपल है. दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम्स कॉमा एक्सपेंसेस कॉमा गेन्स और लॉसेस. फिनिश. अभी यहां तक सच अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द इनकम्स कॉमा एक्सपेंसेस कॉमा गेन्स और लॉसेस ऑफ द
ऑफ द बिजनेस। अब हम करेंगे गोल्डन रूल्स। अब ये जो अकाउंट्स हमने इतने सारे पढ़ लिए, अब कौन सी एंट्री कब करेंगे ये हमें बताते हैं कौन, गोल्डन रूल्स किसके, अकाउंटिंग के। कि पहला सबने सुना होगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये सब रूल सबने सुने होंगे, लेकिन कौन सा अकाउंट में कौन सा रूल अप्लाई होगा हमें ये याद रखना है। तो पहले पर्सनल अकाउंट लिखिए, डेबिट द रिसीवर या हु ओज द बिजनेस, डेबिट द रिसीवर और हु ओज द बिजनेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, जिसका बिजनेस कर रहे उसको डेबिट करेंगे, बताइए इससे क्या मतलब हुआ। रिसीवर कौन हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी, आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, क्रेडिटर को पैसे मिल गए। हम जब क्रेडिट, जब हम उधार पर लेते तो हम उसको क्या करते थे, क्रेडिट परचेज टू क्रेडिटर। अब हमने उसको कैश पेमेंट कर दी, कैश दिया तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और क्योंकि हमारा जो क्रेडिटर है वो रिसीव कर रहा है अब कुछ, वो पर्सनल अकाउंट है, तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट। तो क्रेडिटर टू कैश। अब वो ओज द बिजनेस यानी डेटर, डेटर जो उधार पर सामान ले जा रहा है, तो हम डेबिट ही तो करते थे उसको, ओज द बिजनेस यानी बिजनेस को उसे कुछ देना है, तो उसे जो हमें पैसे देने हम क्या करते थे, डेटर टू सेल्स, डेटर हमें कैश, वो तो क्रेडिटर को दे रहे हैं ना, डेटर को क्यों कैश देंगे हम, तो डेटर टू जो हम क्रेडिट सेल्स करते थे, ऐसी क्रेडिट द गिवर को क्या करेंगे, अब डेटर पेमेंट कर रहा है तो पहले उसको डेबिट किया था, हम क्या कर देंगे, और यहां पे क्या आती थी, ड्रॉइंग्स, या फिर ड्रॉइंग्स आती थी, कैपिटल आती थी, बिल्कुल कैश टू कैपिटल करते थे ना, ये एसेट्स टू कैपिटल, तो यहां पे हमारा क्या आ गया, कैपिटल, यहां पर हमारा क्या आएगा, कैपिटल। सबको आ गया समझ में, लिख लीजिए पॉइंट से, बाद में आप दोबारा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स हैं कुछ, ठीक। अब जो है हमारे रियल अकाउंट भी आएंगे फिर, अब हमारे क्या आएंगे, रियल अकाउंट तो सबसे सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन यानी एसेट आ रही है तो डेबिट ही, आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर टू कैश या फर्नीचर टू क्रेडिटर, तो जब कोई चीज आती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट, और जब वो चीज बेचते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ये हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, लाइबिलिटी पड़ रही है तो हम उसको ऑब्वियस ही बात है क्रेडिट वर्ट गोज आउट, सिंपल सा रूल, ये सबने पढ़ा हुआ है, इतना तो सबने ही पढ़ा हुआ है, सबको क्लियर है ये। और नॉमिनल में हम क्या करते थे, इनकम को हम क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बहुत बढ़िया। और क्रेडिट में हम क्या करते थे, इनकम एंड, और ये हो गया हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी को इसमें कोई डाउट कि पर्सनल का क्या होता था, जो बिजनेस को ओ करता है यानी डेटर, उसको हम डेबिट करेंगे, या फिर जो जिसको हम कुछ पैसे दे रहे हैं, जैसे क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करते हैं, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर और who owes the business, ऐसी क्रेडिट द गिवर और द ओनर। गिवर कौन हुआ, क्रेडिटर ने हमें उधार पर सामान दिया या डेटर ने हमें पेमेंट करी, क्या आएगा यहां क्रेडिट में, गिवर यहां पर हमारा डेटर हुआ जो कैश पेमेंट कर रहा है।
वो क्या हो गया हमारा गिवर। ये एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, अभी से कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में एग्जाम टाइम पे बिल्कुल ही नहीं याद रहेगा। कि क्रेडिट द गिवर यानी जैसे कि डेटर ने हमें पेमेंट कर दी, जैसे कि डेटर ने हमें पेमेंट कर दी वापस, और रियल अकाउंट का सिंपल जो आया उसको डेबिट, जो गया वो उसको, और नॉमिनल अकाउंट भी सिंपल एक्सपेंस और लॉसेस को हमने क्या कर दिया, और कौन सा वाला पॉइंट बेटा देखो, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन हुआ, जिसको कुछ मिला। अब क्रेडिटर को जब हम कैश पेमेंट देंगे उसको रिसीव हो रहा है कुछ, तो हमने उसको क्या कर दिया डेबिट, कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया, कैश का रियल अकाउंट का फंडा पूरा हो गया और उसका पर्सनल अकाउंट का पूरा हो गया। डेटर कुछ सामान उधारी पर ले गया तो उसके पर्सनल अकाउंट का हो गया, हु ओज द बिजनेस में आ गया वो, और क्योंकि सामान गया सेल्स हो गई, एसेट गई, तो वो क्या हो गई क्रेडिट। दोनों रूल्स पूरे हो गए, तो ये सारे रूल्स एक साथ चलते हैं, कभी अकेले नहीं चलते, तभी डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री नहीं। सबको आगे क्लियर, और भी डाउट? चलिए फिर अब जो है हम कुछ ऐसा करेंगे जो आपने 11th में करा होगा लेकिन याद हल्का हल्का होगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स याद है सबको, क्या पढ़े थे या भूल गए, कोई एक दो नाम किसी को याद हो तो बताइए, एक दो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो कभी पढ़े थे। सिंगल एंट्री, गोइंग कंसर्न, क्या होता था गोइंग कंसर्न में, गोइंग कंसर्न में क्या होता था, कंपनी ये सोच के चल रही है कि बिजनेस चलता रहेगा आगे तक, कल ही खत्म नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या करते थे रिजर्व्स मेंटेन करके रखते थे। जो रिजर्व्स की मेंटेनेंस का कंसेप्ट है वो किससे आया, गोइंग कंसर्न से, पूछ लेते कभी कभी ये, और वैसे भी कई बार बाहर भी पूछ लेते इंटरव्यू वगैरह में। और हमारा दूसरा क्या था, इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट आपने बताया, बिजनेस अलग है ओनर, दोनों की एंट्रियां अलग है। आप ओनर के पर्सनल घर का बजट नहीं बिजनेस में इंटीग्रेट करेंगे, वो ड्राइंग कर ली, अब वो उसकी सिद्धि उस पैसे का क्या करेगा। क्लियर, और भी कंसेप्ट याद हो, एक्यूरल क्या होता था उसमें, एक्रूवल कंसेप्ट में क्या होता था, जो इस साल के इनकम्स हैं चाहे अभी तक वो मिले ना हो वो इसी साल आएंगे, ड्यू बेसिस पे करते थे। अगर आपने पेमेंट करी नहीं लेकिन आपको पता होगी इस साल से रिलेटेड, जैसे टैक्स अक्सर आपका बाद में पे होता है फाइनेंशियल ईयर के, लेकिन आपको पता है इस ईयर से रिलेटेड ही है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं टैक्स पेबल की एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, करते हैं। ये भी आपका कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आएगा बार बार, इसलिए मैं आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझा रहा हूँ। अक्रूवल, कौन सी इनकम इस साल की, कितने पार्ट की इस साल की और कितने पार्ट की अगले साल की, ये बार बार बहुत सारे चैप्टर्स में अलग अलग रूप लेके आएगा अक्रूवल कंसेप्ट, ये आपको दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है। और कोई कंसेप्ट जी, और कोई, मनी मेजरमेंट जी, मनी में मेजर करते हैं हम, और कोई, चलिए फिर लिखते हैं थोड़े से कि आपको भी याद है। पहला हमारा अक्रूवल ही, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आगे अभी बहुत आने वाला है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग रूप लेके आएगा भी है। व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन बुक ऑफ अकाउंट्स, व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वन मस्ट इंश्योर दैट All the revenues, one must ensure that all the revenues, all the revenues and expenditures are recognized
आर रिकॉग्नाइज्ड इन द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, इस कोई एक्सपेंस है, आपने उसकी पेमेंट तो कर दी लेकिन वो आधा ही इस साल का था. जैसे कि कई सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज होती है, कंपनी की भी बहुत सारी होती है, उनको भी वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इन सब की जरूरत पड़ती है, तो उनकी सब्सक्रिप्शन अब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो जरूरी नहीं है चले. तो कई ऐसी होती है, जैसे कि मान लीजिए वाईफाई कंपनी ने लिया 1 अक्टूबर को, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, लेकिन जो हमारा वाईफाई का बिल है वो ऐसे 1 अक्टूबर इस साल से 1 अक्टूबर, आधा इस साल आधा, क्या करें अब. तो जो आधा इस साल का एक्सपेंडिचर है, चाहे पेमेंट उसकी अभी हो गई हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं, पेड इन एडवांस. रेंट कह लीजिए, चार्जेस कह लीजिए, चार्जेस पेड इन एडवांस करके हम उसकी एक एसेट बनाते हैं. मैं आपको बार बार ये क्यों बोल रहा हूं, अभी आगे बहुत आएगा ये, जब कंपनी की हम अकाउंटिंग करेंगे. कंपनी के कई सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो पे वो प्रीपेड कर देती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस सबने सुना होगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट है उसको अगले इस फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है, तो हम उसको एज एन एसेट ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो अक्रूवल कंसेप्ट यहां काम आता है. सो लिखिए, दिस रूल लीड्स टू, ये समझ लीजिए, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का. दिस रूल लीड्स टू क्रिएशन ऑफ, दिस रूल लीड्स टू क्रिएशन ऑफ पेबल अकाउंट्स. पेबल अकाउंट्स, पेबल यानी जिनको हमने पैसे, आपने भले ही अभी पेमेंट ना करी हो लेकिन क्रेडिटर तो क्रिएट हुआ ना, आपने कोई गुड्स लिए, कोई सर्विसेज ली, आपने वो एंजॉय तो किया बेनिफिट, तो इसलिए हम उसको, क्योंकि हमने इस साल में एंजॉय करा, इसी साल से रिलेटेड वो है, तो इसी साल हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. पेबल अकाउंट एंड रिसीवेबल अकाउंट्स, सेल इसी साल की है, भले पैसे ना आए तो डेटर बना लेते हैं हम, कि कैश बेसिस पे नहीं हुई तो हमने क्या बना लिया उसको, डेटर. नहीं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी ऊपर नीचे हो जाएंगी बहुत ज्यादा. इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड, क्लियर. नेक्स्ट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन कंसेप्ट. कंजर्वेशन कंसेप्ट, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, किसी को अगर पता हो पहले बताइए. इसका एक और नाम है बड़ा फेमस, प्रूडेंस कंसेप्ट. इसका पॉपुलर नाम क्या है, प्रूडेंस यानी सेफ्टी. आप पहले से क्या लेकर चल रहे हो किसी चीज की, सेफ्टी. ये आपको क्या कहता है, कि आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना होइए, कि आपको ये लग रहा है कि अब बस हमें तो ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, और खुश हो गए और वो लिख भी दिया कि ऑर्डर मिल ही जाएगा, वो मिला नहीं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ होगी इस साल की. लेकिन आपको ये लग रहा है लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, कहता है वो लिखो. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का इससे डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है. इसकी वजह से एक कंसेप्ट आया था हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटीज का, मैं भी समझा रहा हूं, भी लिखवाऊंगा. कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? कंटिंजेंट यानी जिसकी अनसर्टेनिटी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की. फॉर एग्जांपल, कंपनी पे केस चल रहा है, 20 लाख का क्लेम है, अभी तक केस चल ही रहा है, कंपनी को लग रहा है कि वैसे तो हमें पता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी वो एक फुटनोट लगाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड में, एक फुटनोट लगाते हैं, नोट लगाते हैं, हम पर इस कोर्ट में इस रिगार्डिंग ये केस नंबर है, इतने का क्लेम हमारा बन सकता है, ये हमारी लायबिलिटी अराइज हो सकती है. तो आप पहले देख लीजिए, इन्वेस्टर्स को कंपनी क्या कह रही है कि आप पहले देख लीजिए ये हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं फुटनोट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट. लेकिन जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेड इनकम और गेन है, हम उसको अभी नहीं लिखेंगे, उसको अभी हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो मिस गाइडेंस थी. तो सारी कंपनी बोल देंगी हमारे तो इतने का गेन हो सकता है, उतने का गेन हो सकता है, बाद में बोल देंगे नहीं हुआ. तो मिसगाइड कौन हुआ, इन्वेस्टर.
इसलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बाद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आता है और इसी वजह से हम बड़े सारे रिजर्व्स इस हिसाब से भी बनाते हैं। राइट डाउन, इट स्टेट्स दैट revenue is only recognized कब recognized होगा? When it is realized। Revenue confirm है, order के हमारे पास bill आ चुका है, हमारे पास tender आ चुका है, पैसे पक्का आएंगे। अब हमारा क्या हो गया, रिकॉग्नाइज कर लो। किसी ने वैसे ही फोन पे कह दिया हाँ ऑर्डर आपका है, अभी रिकॉग्नाइज नहीं करना जब तक आपके पास पक्का आए ना। लेकिन अगर हल्का सा भी डाउट है क्या कि हाउएवर एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज, अगला पॉइंट हाउएवर कॉमा एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज हुए, हल्का सा भी अंदेशा, हल्का सा भी आपको अंदेशा हो गया, हल्का सा भी डाउट है क्या अब कुछ दिक्कत हो सकती, तो आप क्या करेंगे एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज द मोमेंट देयर इज इवन अ रीजनेबल डाउट, डाउट है लेकिन रीजनेबल है, ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रीजनेबल डाउट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरेंस, इनकरेंस की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी हुई और आपने उसको कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट आपने कभी भी एसेट्स नहीं सुना होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी लेकिन पक्का सुना होगा इसी वजह से। चलिए ये दोनों क्लियर, इन दोनों की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जी कोई डाउट? हाँ मेरा नोट्स टू अकाउंट्स के बाद एक फुटनोट्स अलग बनते हैं। जब हम अभी कंपनी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का शुरू करेंगे, आपको बैलेंस शीट का जब समझाएंगे तो क्लियरली मेंशन होता है कहाँ क्या मेंशन करना है। बोलिए, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर कंप्लायंस से भी बड़ा एक्टिव है, आरओसी बड़ा एक्टिव है, वो तभी आपको पकड़ लेंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रीजनेबल, कि कोई भी रीजनेबल पर्सन को लगेगा उसी चीज के लिए रीजनेबल वर्ड लिखा गया है। इधर रीजनेबल डाउट या पॉसिबिलिटी होते कि आपके पास प्रॉपर रीजन है मानने का कि ये हो सकता, अब केस बहुत आगे तक चला गया और अब कुछ भी हो सकता है, या तो ये हो कि आपका केस पहले उसमें खारिज होगा फिर आपको लिखेंगे, लेकिन अब केस चल रहा है, हियरिंग चल रही है रेगुलरली, ट्रायल चल रहा है, तो अब आपके पास एक रीजनेबल डाउट है, इसलिए आपने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। इन्वेस्टर्स को भी पता होता है ये बात कि हो सकता नहीं हो सकता, अक्सर वो कंटिजेंट लायबिलिटी के बेसिस पे कमी करते, लेकिन कई बार कर देते जब बहुत बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया पे कई सारे क्लेम्स हुए और भी कई कंपनीज पर क्लेम्स होते रहते हैं, तो तब इन्वेस्टर्स को ये बताना जरूरी होता है, क्योंकि रीजनेबल वर्ड इसलिए ऐड करा गया कि यू तो कोई भी कुछ भी डाउट करके सोचेगा कि चलो मैं जो है टैक्स बचा लूं, इसलिए उसको प्रॉपर बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करते हम, अलग से नोट्स में मेंशन करते हैं। कुछ नहीं मिलता, वो बस इन्वेस्टर्स की नॉलेज के लिए है। अगर टैक्स पे रिबेट मिलने लगे सारी कंपनीज पर ये करने लग जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव दी कंसिस्टेंसी, बोलते ना कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ना। कंसिस्टेंसी क्या होता है, आपने एक बार एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, एक वे ऑफ अकाउंटिंग आपने अपना लिया, अब आप वही अपनाएंगे, चाहे आप कंपनी है चाहे आप बिजनेसमैन है। क्यों? आपको ईयर टू ईयर कंपैरिजन करने में इससे हेल्प मिलती है, नहीं तो आप कहेंगे पहले तो मेरा वो था। हर साल आप अगर आप मूड के हिसाब से बदलते रहे तो ना अकाउंट्स की कोई वैल्यू रहेगी, क्योंकि वो कंपैरिजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हर टाइप के अकाउंट्स, हर साल के अकाउंट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बने हो कि हम आराम से कंपेयर कर सके कि उस साल भी इस चीज का यही मतलब था, आज भी इस चीज का, ठीक है, इसलिए हम कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर कभी जैसे रूल आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया,
कुछ भी आ गया तो हम मेंशन करते हैं बकायदा फुटनोट्स में कि हमने इस साल अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में ये चेंज किया है, उससे इसका ये इंपैक्ट आया है इस रेगुलेशन के अंदर, इस रूल के अंदर, या इसलिए हमने ये किया क्योंकि हमें लगा कि इससे हमारी बेटर फेयर एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रीजंस हम प्रॉपरली मेंशन करेंगे जब भी कोई चेंज होगा, ठीक है। लेट्स राइट, व्हेन ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग मेथड हैज बीन सिलेक्टेड इन द बिजनेस, व्हेन ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग मेथड हैज बीन सिलेक्टेड इन द बिजनेस, कॉमा, इट शुड कंटिन्यू यूजिंग इट ऑन ए गो फॉरवर्ड बेसिस, गो हाइफन या डैश बोल लीजिए, फॉरवर्ड बेसिस, गो फॉरवर्ड बेसिस यानी इस साल भी वही, अगले साल भी वही, उससे अगले साल भी वही, जब तक कोई मेजर चेंज ना आए अकाउंटिंग पॉलिसीज में, ठीक है। अगला लाइन, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट मे बी रिलायबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट मे बी रिलायबल एंड कंपेरेबल ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है, कोई डाउट? अगला हमारा कंसेप्ट है इकोनॉमिक एंटिटी। कंपनी लॉ की क्लासेस किसने ली अभी तक? थोड़ी बहुत सभी ने ली होगी शायद। तो सबको पता है कंपनी एक अलग एंटिटी होती है, तो अपने यूजर से वो, अपने ओनर से वो सेपरेट, ऐसी बिजनेस भी अकाउंटिंग के लिए एक अलग एंटिटी। बिजनेस के अकाउंट्स चाहे वो कैसे ही बिजनेस हो, उसके ओनर से, ओनर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लाएगा, ड्रॉइंग्स ले जाएगा, और ओनर का वैसे बिजनेस करता है वो, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म्स में ओनर का और कोई रोल, तो इसलिए हम बिजनेस के, ताकि हमें प्रॉपर फेयर व्यू ऑफ बिजनेस मिले कि ओनर की इंटरफेरेंस ज्यादा बीच में ना आए, इसलिए हम बिजनेस को क्या मानते हैं अलग। इस वजह से हमारी ड्रॉइंग्स का कंसेप्ट और कैपिटल का कंसेप्ट आया है, ठीक है। सो राइट डाउन, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट The business is considered to be separate from the ownership. Only relevant information is recorded, ठीक है, चले आगे। ये तो बेसिक सा था, ये तो सबको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अगले में आपको थोड़ा डाउट आ सकता है, मैचिंग कंसेप्ट, टू इंश्योर ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने रॉ मटेरियल बहुत सारा लिया, अब जरूरी नहीं है सबका रॉ मटेरियल ऐसा है, बस लिया बेचा पैकेट में डाल के बेच दिया, कईयों के रॉ मटेरियल में आपको बहुत सारी मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक वॉशिंग मशीन की कंपनी है, उनका रॉ मटेरियल क्या होगा, स्टील, वायर, कॉपर, ये सब, उनका फिनिश गुड क्या है, वॉशिंग मशीन, बीच में उनका वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होता है, अलग अलग पैनल बनाएंगे, चिप्स लगाएंगे, चिप्स में सॉफ्टवेयर डालेंगे, बड़े सारी वायर्स एक्सेट्रा लगाएंगे, तो कई बार इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो
तो उनका ईयर एंड तक क्या होता है कि रॉ मटेरियल भी बहुत सारा बच जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस एक अलग बचा होता है, अभी मशीन वो बिकने के लिए रेडी नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो सबको पता है, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा वो, फिर वो क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब जो उस पर एक्सपेंस हुआ है क्या उसका रेवेन्यू इस साल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, क्या उसका एक्सपेंस इसी साल, उसका रेवेन्यू इस साल आएगा, अगले साल ही आएगा। तो जो इनका होता है, क्यों इनको ट्रांसफर करते हैं अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में, कि इनपे जो अब तक एक्सपेंस हुआ है उसका रेवेन्यू क्योंकि इस साल आएगा, इसलिए हम उसको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट यहां से आया, कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक क्यों होता है, कि उसका रियलाइजेशन नेक्स्ट ईयर होगा। तो जो उसपे खर्चा हमने पिछले साल किया उसका एक्चुअली एक्सपेंस वो उस साल का नहीं बना, वो किस साल का बना, इसलिए जो रेवेन्यू है उसके जो एक्सपेंस है हम वो मैच करते हैं ईयर वाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी को कोई डाउट इसमें, क्लियर, राइट डाउन देन, एक्सपेंसेस दैट आर रिकॉर्डेड must be related to किस चीज से related, revenue in the same period in which the revenue was recognized, clear, जिस पीरियड का रेवेन्यू उसी पीरियड का एक्सपेंस उससे रिलेटेड हमें डालना है, तभी हम ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, या आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इस वजह से बनाया जाता है, इट लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन विच ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। ये कंसेप्ट थोड़े पता होने जरूरी है, हो सकता है पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, लेकिन इनका एक जब तक आइडिया नहीं होगा आपको प्रॉपर, आपको आगे समझ नहीं आएगा हमें क्या कर रहे हैं, कि मैं कहूंगा कि इस साल का ये एक्सपेंस है, इस साल का रेवेन्यू है, इसलिए इस साल नहीं अगले साल का ऐसे ट्रीटमेंट होगा, इसका ये ट्रीटमेंट होगा, आप सोचेंगे ये क्या हो गया, वो इन कंसेप्ट की वजह से होता है, ठीक है ना, कि आगे ये कंसेप्ट बहुत अलग अलग उसमें आएंगे वर्जन में। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न बहुत लोगों को पता है, बिजनेस आज खत्म नहीं हो रहा, बिजनेस चलता रहेगा, तो फ्यूचर के लिए कुछ प्रोविजंस भी रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कोई लॉस एक्सेट्रा हो तो आप उसको कवर कर लें। तो लिखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट क्या assumption पर, the business will remain operational, business operational रहेगा for a longer period of time in the future, on the assumption that business will remain operational for a longer period of time in the future। अगला point, the revenue and expense recognition may be deferred, deferred
ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डेफर्ड टू ए फ्यूचर पीरियड when it doesn't relate to the current period. Example लिख लीजिए इसका, income received in advance and prepaid expenses. ये एक तरह से हमारी liability होती है और ये हमारी asset होती है. क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस अभी इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं, जबकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कि अब इनकम रिसीव हो गया, अब हमें सर्विसेज देनी पड़ेगी, हमारी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है. तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी क्या होगी? बच्चे अक्सर उल्टा सोच लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हमने पैसे दे दिए, अब हमें राइट है, हमारी वो एसेट, और उसके लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगी? लायबिलिटी. ठीक है ना. अब लास्ट कंसेप्ट हमारा, इसमें कोई डाउट? सबको क्लियर? मटीरियलिटी कंसेप्ट. ये आपको दोबारा से अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे ले जाएगा. अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती थी? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. तो सिग्निफिकेंट मैनर जो है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस भी कवर करता है. जो जो ट्रांजैक्शन आपका किसी भी इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस करने में रोल प्ले कर सकती है, जो जो पॉइंट किसी का भी, जैसे उन्होंने पूछा कि अभी केस हो गए तो सब कंपनीज लिखेंगी नहीं, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन से किसी भी इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसलिए उसको मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो आप पर पेनल्टीज लगने से कोई नहीं बचा सकता. तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है? जो जो मटेरियल, जो जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, उनको तो आपको हर हाल में मेंशन, राइट डाउन. इट स्टेट्स दैट ऑल द आइटम्स that are reasonably likely to impact, all the items that are reasonably likely to impact, कि reasonable है कि कोई भी reasonable person को अगर वो information मिले तो उसका decision influence, investors decision, investors apostrophe s के बाद लगाइए, decisions making must be recorded and reported in detail in a financial statement as per गैप, GAAP, कैपिटल में जो लिखा हुआ बोर्ड प्रोजेक्टर पर, एज पर गैप क्या होते हैं? इट स्टेट्स दैट ऑल द आइटम्स दैट आर रीजनेबली लाइकली टू इंपैक्ट इन्वेस्टर्स डिसीजन मेकिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन डिटेल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर गैप. क्या होता है? कोई किसी को पता है? फुल फॉर्म ही पूछ रहा हूं. अच्छा, और पे इनको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. लिख लीजिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग. वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है इनकी, कि अमेरिकन्स हो चाहे यूरोपियंस हो चाहे इंडियंस हो चाहे एशियंस हो, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं. ये कुछ स्टैंडर्ड हमने एक्सेप्ट अपने आप कर लिए, ये तो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा ताकि हमारा ग्लोबली सिमिलर अकाउंट्स बने, सिमिलर पर्पस के साथ अकाउंट्स बने. किसी को कोई डाउट? तो आज हमने क्या क्या करा? पहले तो हमने ये सीखा कि आज के ये सब्जेक्ट है क्या, फिर हमने ये देखा कि जो आज तक हम डेफिनेशन सोचते हैं, जो हम चीजों को लाइटली लिया,
असलियत में उनकी डेफिनेशन कितनी वाइड है, क्या क्या वो कवर करते हैं। कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन अब मेरे ख्याल से सबको याद हो गई होगी, कि मैं किसी से भी पूछूं तो सब बता देंगे अकाउंटिंग इज दी आर्ट। अब अच्छा हुआ किसी ने प्रोसेस नहीं बोला, अकाउंटिंग इज दी किस चीज की आर्ट, कैसे करेंगे हम रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज इन अ सिग्निफिकेंट सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट एंड इन टर्म्स ऑफ किस चीज को करेंगे ट्रांजैक्शंस जिनका नेचर चाहे पार्ट में हो चाहे पूरी तरीके से हो फाइनेंशियल नेचर का, और फिर उस रिजल्ट्स का हम क्या करते हैं इंटरप्रेटिंग, और उसको फिर हम करते हैं फिर हमने बड़ा बुक जो आप सोचते थे वो क्या था बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग कितनी नैरो है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में एक्चुअल में कितना डिफरेंस। फिर आगे हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग की क्या हिस्ट्री रही, सिंगल एंट्री डबल एंट्री क्यों डबल एंट्री आया, किन्होंने दिया डबल एंट्री सिस्टम, मिस्टर लुका पैकियोली कौन से साल में, ही इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स नहीं अकाउंटिंग। और फिर हमने देखा क्या क्या नया लाया, कि उन्होंने नए टाइप के प्रिंसिपल्स दिए, उन्होंने नए टाइप के अकाउंट्स डिफाइन करे, कितने टाइप के अकाउंट्स डिफाइन करे डबल एंट्री में, पर्सनल, पर्सनल कितने टाइप का है बताइए, तो तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट्स आर्टिफिशियल और रियल अकाउंट किसके होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट किस चीज के होते हैं। फिर गोल्डन रूल्स हमने पढ़े पर्सनल के क्या थे, जिसमें सबको डाउट हुआ डेबिट द रिसीवर और हु ओज द, ये दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे भूल जाते हैं, डेबिट द रिसीवर या जो जिसको बिजनेस को पैसे देने हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं गिवर को या फिर ओनर को, कि कैपिटल आती है तो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट। ऐसे ही रियल का क्या है डेबिट व्हाट कम्स इन, और नॉमिनल का फिर बस हमने आगे देखा कि क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने कितने करे बताइए एक एक, कौन से पहला कौन सा था, क्या सीखा इसमें, अभी तो पहली क्लास है अभी तो बताया पांच मिनट पहले, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, जो भी इस साल का रेवेन्यू है और एक्सपेंस है इसी साल हम रिकॉग्नाइज करेंगे, चाहे उसकी कैश पेमेंट हुई है, कैश हमने नहीं देखना, हमने देखना कब वो अक्रू, अक्रू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ACRUE अक्रू, कब वो हुआ इनकर एक्चुअली। फिर हमने पढ़ा कंजर्वेशन प्रूडेंस क्या था, अगर हल्का सा भी डाउट है रीजनेबल की कोई लाइबिलिटी हो सकती है तो उसको, लेकिन एक्सपेंस इनकम और गेन को। फिर हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी, क्या कंसिस्टेंट रखना है अकाउंटिंग मेथड्स को। फिर हमने करा इकोनॉमिक एंटिटी, बिजनेस का एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं इकोनॉमिक एंटिटी है, यही गलती आप एग्जाम में करेंगे कि कंपनी लॉ की डेफिनेशन इस डेफिनेशन में आप क्लैश कर जाएंगे, बिजनेस इकोनॉमिक एंटिटी है लीगल एंटिटी नहीं है अभी। फिर आता हमारा मैचिंग, मैचिंग कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, जिस साल का रेवेन्यू उसका एक्सपेंस भी उसी साल में, इस वजह से हम क्या बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। फिर आगे हमने क्या हो रहा बिजनेस चलता रहेगा तो उसके लिए आप अलग अलग प्रोविजंस एक्सेट्रा बनाकर रखिए, और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हमने क्या करा था मटेरियलिटी, मटेरियलिटी क्या है, जो भी मटेरियल ट्रांजेक्शन है जो भी किसी इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको आपको रिकॉर्ड। बेटा प्रूडेंस अलग है, प्रूडेंस में ये है फ्यूचर का जो भी आपको लग रहा है लॉस उसको पहले से ही उसके लिए अलग से बना के रखो, मटेरियलिटी रिलेटेड आप ये देख रहे हो कि उसमें मैंने इन्वेस्टर का एग्जांपल दिया इसीलिए वो अलग चीज है, वो तो आपको फिर भी चाहे इन्वेस्टर होना फिर भी मेंशन करना है, लेकिन मटेरियलिटी ये कहते हैं और भी बहुत चीजें होती है जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होती है तो वो आपको मेंशन करनी जरूरी होती है प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में। मटेरियलिटी जो भी इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस कर सकते कोई छोटी से छोटी चीज भी, कितना डेप्रिसिएशन की हो रहा है, इतना टैक्स लायबिलिटी है, इतना ये, तो वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बहुत सारे अलग अलग होते हैं सर केस नहीं, एक इन्वेस्टर का
और गैप आपको इसमें मानना पड़ता, दैट्स ऑल। किसी को कोई डाउट आज के लिए तो प्लीज बताइए। थैंक यू।